वर्ष 2016-17 के बजट में कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 5.50 लाख करोड़ रुपए का आयोजना व्यय और 14.28 लाख करोड़ रुपए का आयोजना भिन्न व्यय होगा। वर्तमान वर्ष में बजट अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में 15.3% तक की वृद्धि की गई है। आयोजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों का कल्याण, अवसंरचना इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों को अधिक सशक्त बनाने की नीति जारी रखते हुए राज्यों को अंतरित किए जा रहे कुल संसाधन संशोधित अनुमान 2015-16 की तुलना में 99,681 करोड़ रुपए अधिक थे और वास्तविक 2014-15 की तुलना में 2,46,024 करोड़ रुपए अधिक हैं। कतिपय मुख्य क्षेत्रों और स्कीमों में आवंटन का ब्यौरा भाषण के अनुबंध 3 में दिया गया है। यह 12वीं योजना का अंतिम वर्ष है। उत्तरोत्तर समितियों ने सरकारी व्यय के आयोजना और आयोजना भिन्न वर्गीकरण की जरूरत पर प्रश्न उठाया है। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही है कि आयोजना व्यय अच्छे और आयोजना भिन्न व्यय बुरे होते हैं। इसकी परिणति बजट में विकृत आवंटनों में होती है। हमें इसे ठीक करने और सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि आयोजना और आयोजना भिन्न वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस मामले में केंद्रीय और राज्यों के बजटों को समरूप बनाने के लिए राज्य के वित्त विभागों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगा। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही प्रत्येक नई स्कीम की समापन तारीख और परिणामी समीक्षा होगी। इस वर्ष के बजट का आशाजनक लक्ष्य यह है कि हमने राजस्व घाटे को 2015-16 में 2.8% से सुधार करते हुए 2.5 पर ला दिया है। FRBM अधिनियम एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वयनधीन रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ लिए हैं। ऐसा मानने वालों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को नियत संख्याओं की बजाय यह बेहतर होगा कि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की रेंज रखी जाए, जो बदलती स्थितियों से निपटने के सरकार के लिए आवश्यक नीतिगत गुंजाइश देगी। एक सुझाव यह भी है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को अर्थव्यवस्था में क्रमशः ऋण संकुचन तथा विस्तार के अनुरूप किया जाए। राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अब समय आ गया है कि विशेषतः अनिश्चितता और अस्थिरता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मापदंड बन गए हैं के परिप्रेक्ष्य में FRBM अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की जाए। इसलिए मैं FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और भावी मार्ग हेतु सिफारिश करने के लिए एक गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय सदस्य जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पिछली परंपरा का अनुपालन करते हुए इस रिपोर्ट की पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही मैंने बजट में आवश्यक अंतरिम प्रावधान किए गए हैं। हमने 1500 से अधिक केंद्रीय आयोजनाओं स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्र और 30 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में मिलाकर उन्हें युक्तिसंगत बनाया और पुनर्संरचित किया है। इसमें व्यय की अधिव्याप्ति से बचा जा सकेगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मैं हमारी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से उभरी वित्तीय आवश्यकताओं और राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न वचनबद्धताओं के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने के लिए प्रत्येक हेतु 100 करोड़ की आरंभिक राशि भी आवंटित की है। कर सुधार, मैं अब कर सुधारों की ओर आता हूं, जो मेरे बजट भाषण के भाग 6 से में विस्तार से दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सरकार राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका के महत्व को स्वीकारती है। जनता से कर के रूप में उगाहे गए प्रत्येक रुपए का बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण के सरकारों के प्रयासों में योगदान होता है। समाज से गरीबी और असमानता को समाप्त करने में कराधान सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख साधन है।
यदि हम इस परिपेक्ष में इस साधन का प्रयोग न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मेरे इस वर्ष कर प्रस्तावों में निम्नलिखित 9 श्रेणियों पर मुख्य बल दिया गया है। पहला, छोटे करदाताओं को राहत। दूसरा, विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का उपाय। तीसरा, मेक इन इंडिया में सहायता के लिए घरेलू संवर्धन को प्रोत्साहन देना। चौथा, पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय। पांचवा, सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय। छठा, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना। सातवां, कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना। आठवां, कराधान का सरलीकरण और योग्यतीकरण। नौवां, जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। छोटे करदाताओं को राहत। 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से मैं धारा 87 क के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं जिन्हें अपने करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रति वर्ष 24000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है। मैं धारा 80(6)(6) के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी। महोदय, और एक और महत्वपूर्ण बात है, आयकर अधिनियम की धारा 44(k)(घ) के अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों अर्थात ऐसे नॉन कॉर्पोरेट व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वर्तमान में लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है, जिससे वे विस्तृत खाता बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं। मैं इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से निर्धारित के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। मैं अनुमानित कराधान स्कीम को ऐसे व्यवसायों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक हैं। इस अनुमान के साथ कि लाभ सकल प्राप्तियों का 50% है, मैंने पिछले बजट भाषण में कॉर्पोरेट दर की कर की दर को एक समय अवधि के दौरान 30% से घटाकर 25% करने के साथ विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। बहरहाल कंपनियों द्वारा विभिन्न छूटों का लाभ उठाए जाने के कारण उन्हें कर भुगतान की प्रभावी दर औसतन 24.67% बैठती है। इन कर छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना आम जनता के बीच रखी गई थी तथा हमें बड़ी संख्या में रचनात्मक सुझाव मिले हैं। इन छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अंतिम योजना अनुबंध में दी गई है। इसकी मुख्य मुख्य बातें निम्नवत हैं। आयकर अधिनियम में उपबंधित त्वरित अवमूल्यन को 1/4/2017 से अधिकतम 40% तक सीमित कर दिया जाएगा। अनुसंधान कार्य हेतु कटौतियों के लाभ 1/4/2017 से अधिकतम 150% तक और 1/4/2020 से अधिकतम 100% तक कर दिए जाएंगे। नए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की गई केवल उन्हीं यूनिटों को धारा 10(k) के अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे जो 31/3/2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर देंगे। कौशल विकास हेतु धारा 35(g)(g)(gh) के अंतर्गत भारित कटौतियां 1/4/2020 तक जारी रहेंगी।
कॉर्पोरेट कर दर में कटौती को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जा रहे प्रोत्साहनों से मिलने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के अनुसार निर्धारित किया जाना है। सरकार को कर छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में होने वाले लाभ क्रमिक रूप से ही प्राप्त होंगे। अतः पहले चरण में मैं कॉर्पोरेट आय कर की दरों में निम्नलिखित दो परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ। पहला, 1/3/2016 को या इसके बाद निगमित होने वाली नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25% जमा अधिभार और उपकर की दर से कराधान का विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव किया जाता है। यदि वे लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों का दावा नहीं करती तथा निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं उठाती हैं, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, मार्च 2015 को समाप्त विश्व वर्ष के दौरान, मैं इसके लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट आयकर की दर को घटाकर 29% अधिभार और उपकर किया जाए। स्टार्टअप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100% कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद की जाएगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर MT लागू होगा, पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा। यदि विनियमित अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्टअप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिशंक शेयरधारिता हो, अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। आस्थी पुनर्निर्माण कंपनियां जो डूबे ऋणों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ARC के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास थ्रू अंतरित किया जाए। न्यास की बजाय निवेशकों के हाथ आई आमदनी पर कर लगाया जाएगा, तथापि न्यास स्रोत पर कटौती दर की अध्याधीन होंगे। असूचित कंपनियों के मामले में दीर्घावधि पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष घटाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5% तक कटौती की पात्र होंगी। विदेशी कंपनियों के प्रभावी प्रबंधन स्थान के आधार पर रेजिडेंसी का निर्धारण 1 वर्ष आस्थगित करने का प्रस्ताव है। मैं 1/4/2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं। OECD और G20 के BEPS कार्यक्रम के प्रति हमारी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक 2016 में 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है। मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं। प्रशीतित कंटेनरों का प्रयोग बढ़ाने के लिए मैं उन पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 5% और 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक सामग्री और अन्य वस्तुओं पर 0 बुनियादी सीमा शुल्क लगाता है। मैं ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा कि सुझाव माननीय राहुल गांधी जी द्वारा प्राप्त हुआ था, मैं इसके बारे में ब्रेल पत्र भी वहां प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संरचना हमारे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान हेतु घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
उसी के अनुरूप मैं कुछ निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और संगठकों तथा कतिपय अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में समुचित परिवर्तन करने और प्रक्रियाएं सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूज प्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत की पूरी जांच तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती है। मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में सेवानिवृत्ति के समय निधि से 40% आहरण को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1 अप्रैल 2016 के पश्चात किए गए अंशदानों में सृजित निधियों के संबंध में भी 40% के कर मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिक निधि तीनों मामलों में कर योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हम कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य और अधिवार्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं की सेवा से छूट कर का प्रस्ताव करता हूं। मैं कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियों के अदा के लिए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5% से घटाकर 1.4% करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना समयबद्ध तरीके से सभी और विशेषकर गरीबों की आवासीय जरूरतों का समाधान करने के लिए सरकार के आश्वासन का साकार रूप है। मकानों का निर्माण रोजगार के प्रचुर अवसर भी सृजित करता है। आवास क्षेत्र में कार्यकला बढ़ाने के लिए मैं जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के 3 वर्ष के भीतर 4 मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोजनाओं शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100% कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। आवास निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव स्थावर संपदा निवेश न्यासों में निवेश करना सुसाध्य बनाना है। मेरा प्रस्ताव है कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले INVIT की विशेष प्रयोजन साधन की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्याधीन नहीं होंगे। सरकारी निजी भागीदारी वाले स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना, लाभांश वितरण कर DDT समान रूप से सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे उसकी आय का स्तर कुछ भी क्यों न हो। इसे करों और निष्पक्षता और प्रगामी प्रकृति को विकृत करने के रूप में देखा जाता है। अपेक्षाकृत उच्च आय वाले व्यक्ति उच्च कर लागत वहन कर सकते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश वितरण कर के अलावा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों के लाभांश की सकल राशि के 10% की दर से देना होगा।
मैं कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12% से बढ़ाकर 15% करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं 10 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी कारों की खरीद पर और 2 लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नगद खरीद पर 1% की दर से स्रोत पर कर संग्रह करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। संसाधन संपन्न अनुपालक करदाताओं के लिए इस लेवी से न केवल व्यय किए जाने के समय कर संग्रहण बढ़ेगा, बल्कि यह ऐसा व्यय करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कर प्राधिकारों को आंकड़े प्रदान करता है जो कराधार में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। किसानों और अधिसूचित वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे प्रपत्र देने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके द्वारा स्रोत कर संग्रहण प्रसारित नहीं किया जाएगा। विकल्पों के मामले में प्रतिभूति लेन देन कर की दर 0.01% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है। भारत में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को होने वाले आय पर कर लगाने के लिए यह प्रस्ताव है कि अनिवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति जिसके स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है और वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन विज्ञापन हेतु प्रतिफल के रूप में देता है, वह समकरण लेवी के रूप में भुगतान की गई सकल राशि के 6% के दर से कर रोक सकेगा। मैं सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे कुछ प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होगा। यह उपकर 1 जून 2016 से लागू होगा। भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है। मैं पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1% कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5% और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4% अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर जो पर्यावरण संबंध में जो छूट दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूं कि उस ये कार्य जारी रहे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1% या निविष्टी कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं, खासकर आभूषण और वस्तुओं से जुड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को छोड़कर, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मैं 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़ों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 0 या निविष्ट कर क्रेडिट के साथ 6% से बदल कर निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निविष्टी कर के साथ 12.5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर नया नाम देने के और इसके साथ ही इसकी दर 200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10% से 15% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त अधिनियम 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके, जिससे स्पष्ट किया जा सके कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समुन्नयन ऐसी सेवा जिस पर सेवा कर लगाया जा सकता है या अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है। महोदय, हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं, वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा।